दोस्तों अगर आप भी रविचंद्रन अश्विन को एक शानदार गेंदबाज मानते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम के लिए पिछले कुछ दिन विवादों से घिरे हुए रहे हैं। एक और जहां साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज से पहले विराट कोहली और बीसीसीआई के बीच एक बड़ा विवाद खड़ा हुआ है, तो वहीं भारतीय टीम के शानदार स्पिनर रविचंद्रन अश्विन और पूर्व कोच रवि शास्त्री के बीच खड़े हुए विवाद में भी एक अलग रूप ले लिया है, जिसको लेकर भारतीय क्रिकेट जगत के बड़े बड़े दिग्गजों ने अपने बयान दिए हैं। तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं क्या कहा भारतीय दिग्गजों ने अपने इस बयान में। लेकिन उससे पहले रविचंद्रन अश्विन और कुलदीप यादव में से आप किसे बेहतरीन गेंदबाज मानते हैं, हमें अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों भारत क्रिकेट इतिहास के लिए 2021 का दिसंबर का महीना बहुत ही खराब रहा, क्योंकि इस महीने की शुरुआत से ही भारतीय क्रिकेट टीम में एक के बाद एक कई विवाद उत्पन्न हुए, जहां पहले टेस्ट कप्तान विराट कोहली और बीसीसीआई प्रेसिडेंट सौरव गांगुली के बीच जुड़े विवाद ने एक अलग हवा पकड़ी, तो वहीं अब भारतीय टीम के शानदार स्पिनर रविचंद्रन अश्विन और पूर्व कोच रवि शास्त्री के बीच भी एक नया विवाद शुरू हो गया है, जो कि 2018-19 में हुए भारतीय टीम के ऑस्ट्रेलिया दौरे से जुड़ा है। दरअसल दोस्तों 2018-19 में भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर थी, जिसमें सिडनी टेस्ट ड्रॉ होते ही टीम इंडिया ने इतिहास रच दिया था, क्योंकि पहली बार ऑस्ट्रेलिया को उसी के घर में टेस्ट सीरीज में मात दे दी थी। और इस मुकाबले में भारतीय टीम के शानदार गेंदबाज चाइनामैन कुलदीप यादव ने ऑस्ट्रेलिया के 5 विकेट चटकाए थे, जिसके बाद तब कोच रहे रवि शास्त्री ने कहा था कि कुलदीप हमारे प्राइमरी स्पिनर होंगे, और रवि शास्त्री की यही बात रविचंद्रन अश्विन को चुभ गई थी। और 3 साल बाद उस दिन के बारे में बात करते हुए उन्होंने हाल ही में कहा कि मैंने एकदम कुचला हुआ महसूस किया था। वहीं उनके इस बयान के बाद रवि शास्त्री ने भी पलटवार करते हुए कहा था कि एक कोच के तौर पर मेरा काम खिलाड़ियों को खुश करने का नहीं था, मैंने केवल वही बोला था जो उस वक्त मेरी आंखों के सामने था। दोस्तों रवि शास्त्री और रविचंद्रन अश्विन के बयानों के बाद एक अलग तरीके की बहस इन दोनों के बीच छिड़ गई है, जिसको लेकर भारतीय क्रिकेट के दिग्गजों ने अपना बयान जाहिर किया। सबसे पहले क्रिकेट का भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने अपना बयान देते हुए कहा कि भारतीय क्रिकेट में ऐसा पहली बार हो रहा है जब लगातार एक के बाद एक विवाद खड़े हो रहे हैं, और जिस तरह का विवाद अश्विन और रवि शास्त्री के बीच छिड़ा है वो बेहद बेतुका है, क्योंकि ये बात 3 साल पुरानी है, तो इस वजह से इस बात का कोई मतलब नहीं बैठता कि अश्विन और रवि शास्त्री इस मुद्दे पर बहस करें। इसकी बजाय उन्हें भारतीय टीम के आने वाले मुकाबलों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस वजह से सिर्फ भारतीय क्रिकेट की छवि खराब होती है। दोस्तों इसके बाद भारतीय क्रिकेट के दिग्गज ओपनर रहे वीरेंद्र सहवाग ने बयान देते हुए कहा है कि एक के बाद एक ऐसी बहस भारतीय क्रिकेट की छवि को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, और अगर इस मामले के बारे में बात करें तो एक कोच हमेशा ही अपने खिलाड़ियों की भले के बारे में सोचता है, और अगर रवि शास्त्री ने अश्विन को लेकर ऐसा कुछ बात कही भी थी तो इसमें इतना बुरा मानने वाली कोई बात ही नहीं थी, क्योंकि जाहिर तौर पर हमेशा शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को ही सराहा जाता है, और उसका मतलब ये नहीं होता कि आप कोई बेकार गेंदबाज हैं। वहीं दोस्तों इसके बाद भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे शानदार और पूर्व कप्तान रहे महेंद्र सिंह धोनी ने बयान देते हुए कहा है कि रविचंद्रन अश्विन को इन सब चीजों को छोड़कर फिलहाल अपने गेम पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की कला उनके पास है वो हर किसी के पास इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं होती है, और कोई भी कुछ भी बोले उन्हें सिर्फ अपनी टीम के बारे में ही सोचना चाहिए। दोस्तों एक के बाद एक लगातार हो रहे विवादों की वजह से ऐसा माना जा रहा है कि भारतीय टीम का साउथ अफ्रीका दौरा खराब हो सकता है, क्योंकि सभी खिलाड़ी एक के बाद एक करके किसी न किसी विवाद में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों आप सभी को क्या लगता है, क्या भारतीय टीम साउथ अफ्रीका में अपनी पहली टेस्ट सीरीज जीतने में कामयाब हो पाएगी या नहीं, हमें अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।